अब जिस तरह आपको फेमस होने के बाद लोग जानते होंगे, फैमिली में कैसा रिस्पॉन्स है? कुछ बच्चे इस तरह कहते हैं जो आपसे यंग जनरेशन में हों, कम 2-4 साल पीछे या अभी पढ़ रहे हों, वो कहते हैं हमें भी बनाए ना, आप तो इतनी सिंगर बन गए, फ्लाम से मिलती हैं, मैंने भी सिंगर बनना है, हमें भी सिखाओ, तो हमारे भी साथ चलो, कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट मतलब मुझे फैंस बहुत ज़्यादा मुझे टेक्स्ट आते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें या आप मेरा गाना सुन लें, हम क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो देर लाइक कि हमारी कंपोजिशन सुन लें, आप गा दें, बेशक कुछ कर लें. मैं बहुत पढ़ती हूँ ऐसे मैसेजेस. और घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर. नहीं, इससे सीखने की जरूरत नहीं है. नहीं, हम खुद ही कर लेंगे. एंड आई थिंक ये अच्छी बात भी है, आपको ऐसे ही पेरेंट्स को, फैमिली को आपको ट्रीट करना चाहिए, दैट यू आर अ नॉर्मल पर्सन. इट्स जिनके साथ आप फिर कंफर्टेबल फील करते हैं कि कुछ तो कोई तो लोग हो, वरना तो बाहर और तरह से होता है, घर वालों के लिए तो फिर आप और अब सारे आपको बेहतर करने पर लेकर जाते हैं कि नहीं अभी और बेहतर करना है, और बेहतर. हाँ, और ये मैं कहूँगी मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हम फैमिली एक दूसरे की तारीफ नहीं ज़्यादा करते बल्कि नुक्स निकाल रहे होते हैं कि अच्छा बेटा आपके यहाँ पे कमी थी, ये इंटरव्यूज में ये नहीं बोलना चाहिए था. दैट्स व्हाई डोंट लाइक इंटरव्यूज बाय द वे. चलिए अब भी देखते हैं क्या क्या कुछ होता है. अच्छा, पेरेंट्स के लिए मेरे भी वालिद साहब ना, वो लोग बड़ा कई दफ़ा कोई तारीफ कर देगा या कुछ कर देगा, लेकिन आज भी मेरी गलतियाँ मेरे वालिद साहब निकाल रहे होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि जब कोई किसी दोस्त से करें या कोई मुझसे पूछता है अपने बच्चों के बारे में, तो कहता हूँ जी वालिदैन के लिए बच्चे हमेशा नालायक होते हैं. हाँ, क्योंकि वो उनको और ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं, किससे आगे, नहीं अभी देखो वो है. एंड देयर लाइक बेटा आपको नहीं पता, हम 200 किलोमीटर जाते थे स्कूल पैदल और पता नहीं क्या कुछ. तो यू आर लाइक अच्छा हाँ ठीक है, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है. चलें जी, ये तो बात हो गई. अच्छा महक, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल मोमेंट आपका क्या आया? मुश्किल मोमेंट ये था कि मैं एक तो मैंने ये फैसला किया कि मुझे म्यूज़िक करना है, मैं ननकाना से आ गई और मैं 2 साल हॉस्टल में रही, मैं अपने घर वापस नहीं गई थी. आई नो लाइक मैं जॉब भी की, मैंने लाइक वो जो छोटी मोटी होती है ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए, लाइक ज्वेलरी बेच दो, बाजा बेच दो, तो इस तरह से मैंने सर्वाइव किया. सबसे मुश्किल ये था, और उससे ज़्यादा मुश्किल ये था कि हमारा हॉस्टल का दरवाज़ा 10 बजे बंद हो जाता था, तो मैं सारी रात कैफेटेरिया में बैठती थी, सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलता था तो मैं हॉस्टल जाया करती थी. तो फिर ये टाइम स्क्वायर कैसे पहुँच गई आप? इट टुक 9 ईयर्स, 9 साल, क्योंकि दरवाज़ा हॉस्टल का इसलिए बंद हो जाता था, मैं रेडियो पाकिस्तान सीखने के लिए जाती होती थी, म्यूज़िक मैं क्लासेस लेने जाती थी, और मैं पॉइंट पे जाती थी जो बस चलती है, जब मैं वापस आती थी तो देर लग जाती, स्टॉप जगह जगह रुकती है बस, तो इसलिए तो बड़ी मेहनत किया था, उसके बाद टाइम स्क्वायर पे गई हूँ. अच्छा सामल, आपने कभी वाइफ को भी गाने सुनाए हैं या वो कहती हैं कि नहीं, या उनका कोई फेवरेट है जो आपको सुनाना पड़ता है या सुनाया हो? घर में जब भी मैं वाइफ के साथ बैठा हूँ तो मैंने कभी किसी तरीके से कभी गाना, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ. अच्छा. और सेल्फ क्रिटिकल मोड में जो है मैं एक बॉक्स में रह के ही प्रैक्टिस हो जाती है, सिंगिंग का तरीक़ेकार हो जाता है मेरी, म्यूज़िक प्रैक्टिस मैं वो करता हूँ, तो मैं कभी भी मेरी कोशिश ही, मैं गाने अपने भी जब गाता हूँ तो मैं उसको कम ही सुनता हूँ. अच्छा. बट यही होता है कि सेल्फ क्रिटिकल होने की वजह से गाना बजाना जो है ना, मैं अपने हद तक रखता हूँ, और जब वो बहुत इंसिस्ट करती है तो फिर मैं 1-2 गाने सुना देता हूँ. अच्छा, हमें भी यार कुछ सुनाओ. उनको जो सुनाते हैं वो अपनी जगह, हमें जो आपको पसंद है. अभी थोड़ी देर पहले आप एक तराने का जिक्र कर रहे थे, वो मैं आपको सुना देता हूँ. मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं. मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, से खिजां से तुझको बचा के रखूं बहार तुझ पे निसार कर दूं. मेरे वतन मेरे वतन. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.